इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये लड़कियां नहीं है। भाई साहब मज़ा आ गया। जेनेसी क्लब में मैं गया था तकरीबन 10 बजे और आया रात के में 1:15 बजे बाहर आया। बहुत ही गजब का नज़र था स्ट्रिप क्लब का। अगर आए हैं पुकेट में तो इसका मज़ा लेना चाहिए। वापस आया हूँ यहाँ पे पटांग बीच में, सॉरी पटांग बीच पैलेस जो कि बांग्ला स्ट्रीट में है। बांग्ला स्ट्रीट के नाम से भी बहुत प्रचलित है ये। तो यहाँ पे आया हूँ और सोचा कि चलो एक बार और चक्कर लगा लो, क्योंकि आखिरी रात है मेरी। चलो ठीक, कल तो मैं जा रहा हूँ क्राबी। यहाँ पे खाना पीना और यहाँ की रंगीन दुनिया की बाकी कुछ और है। इस बांग्ला स्ट्रीट की पॉकेट तो वैसे डाउनटाउन दूर है यहाँ से 20 किलोमीटर, और ये पटांग बीच है। पटांग बीच का ये बांग्ला स्ट्रीट है। कल मैंने अपने गोप्रो पे माइक नहीं लगाया था, इस कारण मुझे कैसी आवाज़ होगी ये तो मुझे पता नहीं, बट अब मैं कॉलर माइक लगा के चल रहा हूँ तो शायद आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही होगी। कल मैं रात को थोड़ी देर से आया था, जो कि रात के तकरीबन 11 बजे। अभी तो इतना वक्त नहीं हुआ, सिर्फ 10 बजे है। शायद ये रात को ही देर से चलता है, जैसे 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद। अभी धीरे धीरे भीड़ हो रही है यहाँ पे। शुरू हो जाएगी और रात के तकरीबन 2 बजे तक ऐसे ही चलेगी। कल मैं रात को 1:30 बजे यहाँ से गया, फिर भी यहाँ का कुछ क्राउड कम नहीं हुआ था, ऐसा ही चल रहा था। लेना है तो 100 बात लगेंगे ऐसा कह रही है।
कुछ करना पड़ेगा मुझे। और राज के बाद में आपको बता दूं, ये लड़कियां नहीं है, ये सब शिमेल है। मज़ा आ गया। जेनेसी क्लब में मैं गया था तकरीबन 10 बजे और आया रात के में 1:15 बजे बाहर आया। बहुत ही गजब का नज़ारा था स्ट्रिप क्लब का। अगर आए हैं पुकेट में तो इसका मज़ा लेना चाहिए। बहुत ही बढ़िया था, लेकिन अंदर एक बियर थी 320 बाट में। और मैंने जो कार्ड यूज़ किया उसका 10% लगाए, तो तकरीबन 800-850 रुपये का मुझे बिल पड़ा अंदर एक छोटी बियर का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट बढ़िया था।